खरगोन विधायक रवि जोशी ने शिवराज सिंह सरकार पर उदासीनता के आरोप लगाते हुए कहा कि खरगोन रेड जोन बन चुका है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि रेड जोन से बाहर आए। यह सरकार की उदासीनता ही है, जो पीपीई किट की कमी देखी जा रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास व्यवस्थित पीपीई किट नहीं है, जो कि वह भी कम है। जिस तरह सैंपल लेना चाहिए और जांच होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं उदासीनता नज़र आ रही। हमने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में भी जिला कलेक्टर के सामने बात रखी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करें, लोगों को इस लॉकडाउन में समस्या और आपदा से बचने के लिए जांच में तेज़ी लाकर लोगों को इन्वेस्टिगेशन कर हॉस्पिटल में भर्ती करें। जिन्हें होम क्वारंटाइन करना है, उन्हें जल्द से जल्द होम क्वारंटाइन करें और जनता को इस बीमारी से निजात दिलाएं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि इनकी कोरोना से लड़ने में कोई ध्यान नहीं है। जिस समय कोरोना से लड़ना था, उस समय यह सरकार बनाने और सरकार गिराने में लगे थे। इनको कोरोना बीमारी से लड़ने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जो स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, मैं उनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। उनकी सेवा में हमारा जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्टाफ जो लगा था, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, जो हमारे इतने 12 लोग एक साथ स्वस्थ होकर क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं। पीपीई किट को लेकर कहा जा रहा है, यहाँ पर स्टाफ भी नाराज है कि पीपीई किट नहीं है। बिल्कुल, पहले दिन से देखने को मिल रहा है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर जो पीपी किट का संकट विशेषकर खरगोन जैसे आदिवासी जिले में बना हुआ है, ये पहली बात। हम रेड जोन में हैं, रेड जोन के जिलों में पीपी किट की कमी को तो दूर करना चाहिए था। सरकार की उदासीनता है स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ, पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के साथ, जो सील्ड एरिया है, सील्ड एरिया में जा रहे हैं, जहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं, उनके पास पीपी किट का अभाव है, पीपी किट की कमी है। उस कमी को हमारे सरकार ने जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। मैं बार बार आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में भी बोलता हूँ तो बोले साहब हमने आर्डर दे दिया है, जिला चिकित्सा अधिकारी बोलते हैं, और बोले भोपाल से आ रही तो कब आएगी और कब व्यवस्था होगी, जब कोरोना संकट खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगी तो हमारे क्या काम की। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। 3 वेंटिलेटर मध्य प्रदेश सरकार ने कल की बैठक में तय हुआ कि प्रदेश सरकार ने हमको दिए हैं। डॉक्टर वर्मा जो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं, उन्होंने मीटिंग में बोला कि हमने मना कर दिया। मैंने क्यों मना कर दिया, तो उन्होंने कहा सर सेंट्रल लाइन नहीं है। मैंने कहा मैं डलवा के देता हूँ, 24 घंटे के अंदर वेंटिलेटर होना चाहिए, सेंट्रल लाइन में डलवा दूंगा। सेंट्रल लाइन डालने के लिए जब बालक को बुलाया तो वो भोपाल जब बात करते हैं तो बोले साहब वो किसी कंपनी को ठेका दिया, वो कंपनी बोलती कि 1 महीने की मेरी समय अवधि है, 1 महीने में मैं उस काम को कर दूंगा। जब कोरोना का संकट 1 महीने बाद दूर हो जाएगा तो उस लाइन सेंट्रल लाइन को और उसको हम क्या करेंगे, आज हमारी आवश्यकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।